चैनल, मैं हूं अनीला रज़ाक और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल। कहा जाता है कि जो कुछ आता है, जो कुछ ज्ञान आपको आता है वो दूसरों में बांटो और जो नहीं आता वो दूसरों से सीखो। तो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आप सब में बांट रही हूँ, आप सब से शेयर कर रही हूँ। आज का ट्यूटोरियल भी कुछ ऐसी ही शेयरिंग के बारे में है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ऑब्वियसली। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं जनाब? आज हम सीखने वाले हैं मेकअप ब्रशेस के बारे में। थोड़ी सी हम एक ब्रीफ लेंगे कि मेकअप ब्रशेस, जो हमारे पास एक बहुत ह्यूज जो है वो स्टॉक लगा हुआ होता है मेकअप ब्रशेस का, जो हम देख रहे होते हैं कि जी अच्छा ये ब्रश भी होता है, ओहो ये ब्रश भी होता है, इस ब्रश के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, अच्छा ये ब्रश मैंने ले तो लिया लेकिन अब मैं इसको यूज़ कहाँ करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस ब्रश का यूज़ कहाँ और किस तरह से किया जाता है। राइटो, तो एक छोटा सा मुन्ना सा मिनी ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल के जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ में छोटा मुन्ना सा एक बेल आइकन आपको नजर आ रहा होगा नोटिफिकेशन का, वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। जनाब सबसे पहले जो ये सारा बंच आपको नजर आ रहा है ब्रशेस का, ये हैं सारे वो ब्रशेस जो हमारी फेस एप्लीकेशन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे शुरू से। अच्छा जी, सबसे शुरू में ब्रशेस से भी पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ आवर मेकअप ब्लेंडर। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप ब्लेंडर लाजमी आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपने मेकअप को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसको हमेशा वेट करके, अच्छी तरह से इसको स्क्वीज करके और फिर इसको यूज़ किया जाता है। इसको ऐसे यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, राइट? और इससे हमेशा जब हम यूज़ करेंगे तो जस्ट टैप 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 करेंगे, रगड़ेंगे नहीं अपने फेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमने हार्श लाइंस नहीं बनानी, हमने मेकअप को ब्लेंड करना है, नेचुरल लुक देना है। ये गया हमारा ब्यूटी ब्लेंडर साइड पे। अब हम आ रहे हैं जनाब अपने ब्रशेस की तरफ। सबसे पहले जो हम चीज़ अप्लाई करते हैं अपने फेस पे दैट इज़ मेकअप फाउंडेशन। ऑब्वियसली फाउंडेशन है या आपकी बीबी क्रीम है, जो भी आपकी बेस है, स्टिक है, व्हाटसोएवर, उसके लिए आपको चाहिए ये काबुकी ब्रश। ठीक है जी, मेरे पास ये रियल टेक्निक का है। ये देखें, इसका फेस थोड़ा सा ऐसा होता है, आप देखिए ये बिल्कुल जो है ना ऐसा फ्लैट सा होगा और बहुत चौड़ा सा होगा, राइट? ये देखें आप, इसको कहेंगे काबुकी ब्रश। और इसको हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन के लिए। इसको भी हमने फाउंडेशन लगा के टैप 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 करके फेस के ऊपर अप्लाई करना है, राइट? फाउंडेशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं जी? फाउंडेशन लगाने के बाद हम करते हैं कंसीलर लगाते हैं, ऑब्वियसली अपनी जो हमारे एरियाज हमें कंसील करने हो उनके ऊपर, ताकि हमारी फाइन लाइंस वगैरह जो है वो हाइड हो सके। सो दिस इज द ब्रश दैट वी यूज फॉर कंसीलर। आप इसका थोड़ा सा फेस देख लीजिए कैसा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी मेरे पास रियल टेक्निक्स का है और ये मैंने पूरा सेट लिया था। ठीक है जी, ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है ताकि आपके अगर ये जो एजेस वगैरह पे जब हम कंसील कर रहे होते हैं या इस जगह पे कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट्स इसीलिए दिए हुए होते हैं कि ये ख़राब ना करे आपकी जो पहले से लगी हुई फाउंडेशन है और प्रॉपरली उसको ब्लेंड कर दे, राइट? तो ये हो गया हमारे पास ब्रश नंबर 2, कंसीलर ब्रश। अब जो हमारे पास बारी आती है इन दोनों चीज़ों के बाद जो हम फेस पे अप्लाई करेंगे, राइट, वो हमारे पास आ जाती है पाउडर की। चाहे वो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हो, चाहे वो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर हो, चाहे वो हमारा बनाना पाउडर हो। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इस तरह का एक पफी, बिल्कुल सॉफ्ट सा ये ब्रश होता है। ठीक है, ये देखिए आप, सही है? ये आपको काबुकी ब्रश की तरह का लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट लाइक काबुकी ब्रश। काबुकी ब्रश जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ये थोड़ा सा कर्व में है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसके मुकाबले, बहुत सॉफ्ट है। उससे ये होगा कि जितना अच्छा, जितना फाइन इसका थ्रेड होगा, ज़बरदस्त सा वेलवेटी सा जो लुक आता है मेकअप करके, वो आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं जनाब कॉन्चोरिंग। कॉन्चोरिंग के लिए हमारे पास इस तरह का एंगल्ड ब्रश होता है। ठीक है जी, ये मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्चोर ब्रश, ये आप देख लीजिए, सही है? ये एंगल्ड ब्रश होता है, ये जो हमारी हड्डी के नीचे वाला पोर्शन होता है इधर हम इधर तक लेकर आते हैं, कान की लौ से लेके यहाँ तक, इसीलिए इसको इस तरह से एंगल में दिया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा इस ब्रश को हम अपनी नोज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जब हम नोज़ कॉन्ट्रोल करते हैं तो इस वाले ब्रश को यूज़ नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा है जैसा आप देख रहे हैं, चीक्स के लिए, आपकी जॉ लाइन के लिए, आपके फोरहेड के लिए, तो इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं नाक की, अगर हम नाक पे इतना चौड़े ब्रश से लेके कंटूर करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी नाक जो है वो डार्क कलर की नजर आने लगेगी, बुरी लगने लगेगी। तो ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट? हम कैसा करेंगे, हमने लिया एक ये बिल्कुल फाइन सा ब्रश, ये फाइन बारीक सा ब्रश है बिल्कुल, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे अपनी नोज कंट्रोल के लिए। यहाँ पे हमने आईब्रो से लेकर यहाँ तक की लाइन लानी होती है, फिर एक यू और यू लाइन, फिर दूसरी आईब्रो के करीब से लेकर यहाँ तक लाइन लानी, ठीक है। ये हमने लगा लिया, इससे हमने प्रिसाइज लाइंस ड्रॉ कर ली अपनी नोज कंट्रोलिंग के लिए। और उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा ये जनाब, ये एक टूथब्रश की तरह का ब्रश आपको लग रहा होगा, ये मैक का ब्रश है एंड यू कैन यूज इट टू ब्लेंड योर कंटूरिंग सो वेल। इससे अब हम इसी को इधर से ऐसे ऐसे करेंगे, राउंड 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 राउंड, इसको हम प्रॉपरली ये इसको ब्लेंड कर देगा आपकी नोज कंट्रोल के लिए। ये बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। बहुत बड़ा बहुत चौड़ा नहीं लेंगे, बल्कि छोटे मुंह का लेंगे, जितनी नाक उतना ब्रश, राइट। फिर हमारे पास आ गया जनाब ये राउंड टिप सॉफ्ट फ्लफी ब्रश, थोड़ा चौड़ा सा है, ये हमारा है ब्लश ऑन ब्रश, ठीक है। ये भी रियल टेक्निक का है। और अच्छा, ये मैंने ऑर्डर किया था ब्यूटी जेम्स के नाम से एक पेज है, उनके पास जो है वो सारी ओरिजिनल यूएसए की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो ऑन ऑर्डर भी प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्ट करती हैं, खातून हैं, शी इज़ अ होम बेस्ड सेलर। मैं उनका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दूँगी, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा मेकअप और ब्रशेस का सामान जो है वो उन्हीं के पास से मैं ऑर्डर करती हूँ, तो बाकी और जहाँ से करती हूँ उसका भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। तो दिस इज़ द ब्लश ऑन ब्रश जिसको हम यूज़ करेंगे ब्लश ऑन ब्लेंडिंग की। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास आ गया फैन ब्रश, ठीक है। ये बड़ा मशहूर ब्रश है फैन ब्रश। इस ब्रश को हम यूज़ करते हैं हाइलाइटिंग के लिए। जब हमें हाईलाइट करना होगा तो हम इसको हाईलाइटर में करके टैप 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 डस्ट ऑफ करके, और इसका शेप इस तरह से दिया हुआ होता है ताकि ये इसी तरह से हमारा हाईलाइट यूं जाएगा और यूं जाएगा, और इसको हम नाक पे बिल्कुल ऐसा बारीक सा लेकर आएंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा इन करेंगे, ये जगह हमारी हाईलाइट होती है, थोड़ा सा ब्रो के ऊपर हमारा हाईलाइट। तो ये हाईलाइटर ब्रश हमारा फेस हाईलाइटर जो है, दैट इज़ दिस फैन हाईलाइटर जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए जनाब फेस ब्रशेस जो हम अपने फेस फेशियल मेकअप के लिए सारे ब्रशेस यूज़ करते हैं। उसमें हमने सारे ब्रशेस सीख लिए, आपको साथ में नाम भी लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे तमाम ब्रशेस के, और लास्ट में आपको एक कंप्लीट पिक्चर भी मैं दे दूंगी। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया हो जाए और आप उसको याद कर लें, रट्टा लगा लें कि कौन से ब्रश को कहाँ यूज़ करना है। अब हम आ रहे हैं अपनी आई मेकअप ब्रशेस, क्योंकि आई मेकअप, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आई मेकअप जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड होता है और उसके लिए जो है वो हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो मेहनत भी लगती है, और जब मेहनत लगती है तो प्रोडक्ट भी लगती है, और उसी तरह से फिर ब्रशेस भी यूज़ होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जस्ट आई मेकअप में जो यूज़ हो रहे हैं ब्रशेस, सिर्फ उनके बारे में। फेस हमने अपना पूरा कवर कर लिया, इसमें हमने आपका फाउंडेशन, आपका कंसीलर, आपका कंटूर, ब्लश ऑन, कंटूर का दूसरा पार्ट, उसका मर्जर, और उसके साथ साथ हमने हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फेस ब्रशेस में कवर कर ली हैं। अब हम चल रहे हैं आई ब्रशेस की तरफ जी। तो हम आ गए हैं अब सीखने के लिए आई ब्रशेस के बारे में, ठीक है। आई ब्रशेस के लिए सबसे पहले तो जो हमें सबसे ज़रूरी, सबसे मेजर पार्ट जो हमारे पूरे मेकअप पे है और जो हमारी पूरी मेकअप की गेम को या तो अप कर देता है या फिर डाउन कर देता है, दैट इज़ आवर आईब्रो। ऑब्वियसली जितनी अच्छी, जितनी खूबसूरत और जितनी फाइन आपकी आईब्रो बनी हुई होंगी और नेचुरल भी लगे साथ में, इतनी भी फाइन ना हो कि वो ऐसा लगे कि आपने स्टिकर लेके चिपका दिया, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी आईब्रो ब्रश, ठीक है। दिस इज आईब्रो सेटिंग ब्रश, आप इसको टू फेस्ड कॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जैसे अपने बालों में, अपने हेयर पे कॉम करते हैं और फिर ब्रश करते हैं, तो दैट इज सिमिलर लाइक दैट, कि आपने पहले अपनी आईब्रो का एक शेप कॉम किया और उसके बाद फिर आपने उसको थोड़ा सा जो है वो मर्ज किया। एंड देन वी हैव दिस इज कॉल्ड स्पूली और मस्कारा ब्रश, ठीक है। इसको जो है वो हम इसके, जब हम अपनी आईब्रो यूज़ करते हैं, कोई पेंसिल यूज़ करते हैं या पाउडर यूज़ करते हैं या लिक्विड आईब्रो
अप्लाई करते हैं कलर, तो फिर हम इसकी मदद से जो है वो उसको अच्छे से पूरी अपनी आईब्रो पे ब्लेंड करते हैं, मर्ज करते हैं, ताकि हमारे आईब्रो के बाल अलग और कलर जो है उसका शेड अलग नजर ना आए। फिर हमारे पास आ गया ये आईब्रो एप्लीकेशन ब्रश। ठीक है जी, हम कोई भी आईब्रो पोमेड लेंगे अगर पाउडर फॉर्म में तो हमें ये ब्रश चाहिए होगा। इससे हम क्या करेंगे, हम अपनी एक फाइन सी आईब्रो की लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, और उसके बाद फिर उसके अंदर उसी कलर से फिलिंग करेंगे, साथ में इधर से हम इसको थोड़ा सा चिक 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 ऐसे छोड़ देंगे, चिक 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 चिक। तो दिस इज जो है आईब्रो कलर एप्लीकेशन ब्रश, अगर आप पेंसिल यूज नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप पाउडर या लिक्विड आईब्रो कलर यूज कर रहे हैं। राइट, अब हम आ रहे हैं जी अपनी कंप्लीट आई मेकअप की तरफ। आईब्रो हमारी बन गई, सेट हो गई। अब हमें क्या चीज चाहिए, अब सबसे पहले जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए होगा एक अच्छा सा फ्लफी हेयर। जी देखिए जी, ब्रश ये हमें चाहिए होता है ट्रांजिशन शेप बनाने के लिए। ठीक है जी, इसका ये देखिए आप, इसकी टिप जो है वो राउंड है। ये मेरे पास BH कॉस्मेटिक्स का है, इसका नंबर मिट चुका है। ठीक है, इसको हमने जो हमारी ये जगह होती है आईलेट होती है, इसके ऊपर जो हम एक बेस शेड लगाते हैं सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन शेड, उसको लगाने के लिए हमने ये यूज करना। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी ये एंगल्ड आई शेडो ब्रश। एंगल्ड आई शेडो ब्रश ये देखिए थोड़ा सा एंगल शेप का है, ये भी मेरे पास BH कॉस्मेटिक्स का है और लकीली इसका नंबर लिखा हुआ है, दिस इज नंबर 3। ठीक है, तो ये इस तरह इसको हम यूज करते हैं अपनी एजेस बनाने के लिए, आई के जो हम एज बनाते हैं और हमारी जो कट क्रीज है उसको डिफाइन करने के लिए ये एंगल ब्रश यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया ये फ्लैट आई शेडो ब्रश। इसका जो फेस है, पहले वाला जो था वो थोड़ा सा कर्व था, ये फ्लैट है। ये किस चीज के लिए, ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का है। इसको हम यूज करते हैं आपकी ब्लेंडिंग के लिए, जब आप आई मेकअप अपना कर लेते हैं तो ऊपर वाला शेड और नीचे वाले शेड को हमने दो अलग अलग, आप मेरा आई मेकअप देख सकते हैं, ये देखें परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ताकि ये नहीं हो कि एक कलर बिल्कुल अलग जा रहा है और दूसरा कलर बिल्कुल अलग जा रहा है, तो वो जो हार्श लाइंस होती हैं वो बहुत ज्यादा ऑड लग रही होती है। ठीक ठीक ठीक, ये सारे हमारे ब्रशेस हो गए। अब हमारे पास आ जाता है जी ये फ्लैट ब्रश। ठीक है, फ्लैट ब्रश ये मेरे पास BH कॉस्मेटिक्स का है, दिस इज नंबर 2 फ्लैट ब्रश फॉर आई शेडो एप्लीकेशन। और ये हम यूज करते हैं जो हम अपना शिमर या शिमरी या जो हम अपनी सेंटर आई बॉल के बिल्कुल ऊपर वाले एरिया पे जो हम लगाते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत कम यूज करती हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं मोस्टली अपनी फिंगर से अप्लाई कर रही होती हूँ। तो इसको ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारी आई बॉल है, ये वाला जो पोर्शन है इस पे जो हम अपना ग्लिटर जिसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं अपने पोर्शन को, वो हम इससे जो है वो ऐसे 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 करके टैप 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 करके अप्लाई करेंगे, और फिर इसी से हम इसको आगे तक थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। दिस इज फ्लैट आई शेडो ब्रश। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया ये देखिए जी ये आई हाइलाइटर ब्रश। इससे क्या होगा कि जो हमारी आईब्रो की ये जो बोन से लेके नीचे तक हमें हाईलाइट करना होता है, वी यूज दिस काइंड ऑफ ब्रश। ये भी रियल टेक्निक का ब्रश है, नजर आ रहा है आई होप सो जी, पतला सा छोटा सा मुन्ने से मुंह का ब्रश है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसी तरह से ये वाला जो एरिया है इधर भी, ताकि छोटा सा थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई हो, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं हो जाए कोई भी चीज़। ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हमारा इस तरह का एक और एंगल ब्रश है, जैसे हमने आईब्रो के लिए यूज़ किया था, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको हम यूज़ करेंगे जब हम ये नीचे अपना कोई भी शेड या पेंसिल या कुछ भी लगाते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए, ताकि वो एक हार्श लाइन नहीं नज़र आए, उसको हम प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से और बहुत परफेक्टली जो है वो ब्लेंड कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आ जाता है आईलाइनर ब्रश। दिस इज 2-in-1 आईलाइनर ब्रश। ये देखिए, ये इसमें पतला वाला पार्ट है और ये इसका एंगल्ड पार्ट है। एंगल्ड पार्ट होता है जब आप ये आपकी जो विंग्ड आईलाइनर लगाने के लिए, जो आप विंग बनाते हैं ना, कैट शेप कैट आईलाइनर जिसे कहते हैं, वो लगाते हैं तो उसके लिए यूज होता है, और ये पतला वाला आपको पूरा जो है वो आईलाइनर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। अब जो हमारे पास है वो है जनाब ये लिप ब्रश। ठीक है, If you want to apply a lipstick or some lip shade, some liquid lip shade, तो हम इससे या outline के लिए भी in fact we can use this one.
ये है BH Cosmetics का और इसका नंबर है 18, ठीक है जी। दिस इज द लिप ब्रश, इसको हम आराम से बिल्कुल बारीक से देखें, आप इसकी टिप है, इससे आप बड़े मज़ेदार सी जो है ना आपकी वो भी बन जाएगी, लिप लाइन भी बन जाएगी, और अगर आपने लिप के साथ लिपस्टिक के साथ ब्लेंड करना है तो ये ब्लेंडिंग भी हो जाएगी। इस तरह आपने आज सीखे जनाब ये सारे के सारे मेकअप ब्रशेस का इंट्रोडक्शन लिया हमने, ये सारे आपने सीख लिए हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे ब्रशेस, ये सब आपने सीख लिए हैं। अब आप मेकअप प्रो हो गई हैं, अब आप मज़े से मेकअप अप्लाई करें, ठीक है। साथ में लास्ट में मैंने जैसे कहा, मैं दोबारा से इसका एक पूरा डिटेल्ड पिक्टोरियल फॉर्म में भी दे दूँगी, ताकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकें, और आपको फ्यूचर में अपना मेकअप करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि कौन से ब्रश को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर किसी नए ट्यूटोरियल के साथ या किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई बात के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।